उद्योगपति एवं समाज सेवी भाई गुरुदेव दत्त छिब्बर ने कोरोना आपदा के समय विश्व के अनेक देशों में एंटी कोविड जीवन रक्षक दवाइयों की आपूर्ति करके अनेक बहुमूल्य जिंदगियों को बचाकर मानवता की महान सेवा की। उनके इस अभूतपूर्व योगदान के लिए नेल्सन मंडेला पीस यूनिवर्सिटी ने उन्हें डॉक्टर ऑफ इम्यूनिटी की उपाधि से सम्मानित किया है और भविष्य में वे इसी प्रकार आपदा के समय में पूरे विश्व में मानवता की सेवा के अपने मिशन को जारी रखेंगे। ये जानकारी गुरुदेव दत्त छिब्बर ने आयोजित एक प्रेस वार्ता के दौरान दी। इस उपाधि को मिलने पर वे अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। इस मौके पर राष्ट्रीय परशुराम सेना ब्रह्म वाहिनी के प्रदेश अध्यक्ष जंगशेर शर्मा व अन्य ब्राह्मण सभा के पदाधिकारियों ने गुरुदेव दत्त छिब्बर को पगड़ी व भगवान परशुराम का फरसा देकर उनका अभिनंदन किया। इस मौके पर राष्ट्रीय परशुराम सेना ब्रह्म वाहिनी के प्रदेश अध्यक्ष जंगशेर शर्मा व अन्य ब्राह्मण सभा के पदाधिकारियों ने गुरुदेव दत्त छिब्बर को पगड़ी व भगवान परशुराम का फरसा देकर उनका अभिनंदन भी किया। यहां बता दें कि फार्मा कंपनी मैकलीन एंड अर्गस फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड के संस्थापक चेयरमैन पद पर विराजमान अम्बाला के प्रसिद्ध उद्योगपति भाई गुरुदेव दत्त छिब्बर को नेल्सन मंडेला पीस यूनिवर्सिटी की ओर से विश्व के सबसे प्रतिष्ठित सम्मान डॉक्टर ऑफ ह्यूमैनिटी उपाधि 2023 से नवाजा गया है। उन्हें नेल्सन मंडेला पीस यूनिवर्सिटी की ओर से बोधलोक मावटा कोलंबो श्रीलंका स्थित भंडार नायके मेमोरियल इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हॉल में आयोजित भव्य समारोह में भाई गुरुदेव दत्त छिब्बर को डॉक्टर ऑफ ह्यूमैनिटी की उपाधि से नवाजा गया। इस अवसर पर गुरुदेव दत्त छिब्बर ने डॉक्टर ऑफ ह्यूमैनिटी की उपाधि से सम्मानित करने के लिए नेल्सन मंडेला पीस यूनिवर्सिटी का आभार व्यक्त करते उन्होंने कहा कि बीते 40 वर्षों में देश विदेश के आपदा काल सुनामी भूस्खलन और बाढ़ जैसी आपातकालीन स्थितियों में मानवता की सेवा बढ़ चढ़ कर की है और समाज सेवा के क्षेत्र के तहत कार्य करने के लिए उनकी प्रेरणा स्रोत रही उनकी जीवन संगिनी रेणु छिब्बर पुत्र पवन छिब्बर पुत्र वधु प्रीति छिब्बर पौत्र अमृतांश और पौत्री अगन्या का भी अहम योगदान है। उन्होंने अपने जीवन परिचय के बारे में बताते हुए बताया कि आज उन्हें उनके लिए बड़ा ही खुशी का दिन है। उनके परिवार में डॉक्टर की उपाधि पाने वाले वह पहले पारिवारिक सदस्य हैं। उन्होंने ये भी बताया कि डॉक्टर बनने का सपना उनका बचपन से ही था। उनका परिवार भी चाहता था कि वह डॉक्टर बने लेकिन किन्हीं कारणों के चलते वह डॉक्टर नहीं बन पाए थे। उन्होंने लगभग 18 साल 3 महीने की उम्र में लगभग 7 वर्ष रनबैक्सी कंपनी में मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर कार्य किया और इस कार्य को पूरी लगन व मेहनत के साथ किया। उनके मन में आया कि यदि हम दवाइयां बेचते हैं तो क्यों न इसकी शुरुआत हम यहीं से करें। उन्होंने ये भी बताया कि 1997 में मात्र 5000 रुपए जब उनके पास थे तो उनके साथियों के सहयोग से उन्होंने मेडिकल लाइन में कार्य शुरू किया और भगवान की कृपा से आज उनके यहाँ जो दवाइयाँ बनाई जाती हैं उन्हें बाहर भेजने का काम किया जाता है। उन्होंने ये भी बताया कि उनके मन में डॉक्टर बनने की प्रबल इच्छा थी। कोरोना आपदा के समय विश्व के अनेक देशों में एंटी कोविड जीवन रक्षक दवाइयों की आपूर्ति करके अनेक बहुमूल्य जिंदगियों को बचाकर मानवता की महान सेवा की। उनके इस अभूतपूर्व योगदान के लिए नेल्सन मंडेला पीस यूनिवर्सिटी उन्हें डॉक्टर ऑफ ह्यूमैनिटी की उपाधि मिलने पर उनका ये सपना पूरा हो गया है। इस उपाधि को मिलने पर वे अपने आप को काफी गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। कोलंबो में आयोजित सेरेमनी में पारिवारिक सदस्यों की उपस्थिति में उन्हें ये उपाधि मिली है। उसकी वीडियो भी प्रेस वार्ता में दिखाई गई। नेल्सन मंडेला पीस यूनिवर्सिटी के विजन के संबंध में जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि नेल्सन मंडेला पीस यूनिवर्सिटी का विजन अचीवर्स और चैलेंजर्स के कौशल ज्ञान क्षमता और योग्यता को अपग्रेड करने के साथ साथ मानव संसाधन के विकास पर ध्यान केंद्रित करना है। इस प्रकार अचीवर्स ऑफ चैलेंजर्स के बेहतर प्रबंधन कुशल और प्रभावी कार्यान्वयन को सक्षम करना है। मानव कल्याण और प्रतिष्ठा को लाभ पहुंचाने वाले नेताओं की सराहना करना और उन्हें प्रोत्साहित करना है। नेल्सन मंडेला पीस यूनिवर्सिटी के मिशन में उस प्रक्रिया को उत्प्रेरित करने के लिए जिससे अचीवर्स चैलेंजर्स और समुदाय अपनी ताकत और अपने जीवन और कौशल की गुणवत्ता में सुधार के प्रयासों का उपयोग करते हैं। नए सामाजिक प्रतिमान विकसित करने के लिए जिसके अंतर्गत व्यापक योजनाएं और समुदायों के बेहतर और आदर्श जीवन का निर्माण कर सकती हैं जिनके साथ वे काम करते हैं। इसी के साथ सामाजिक गतिशीलता चेतना आर्थिक और राजनीतिक सशक्तिकरण के लिए समर्पित लोगों के संगठनों के माध्यम से न्याय और समानता में निहित सामाजिक विकास को सक्षम करने के लिए विकास में कम प्रतिनिधित्व वाले अचीवर्स और चैलेंजर्स की भागीदारी सुनिश्चित करना संस्कृति और पारंपरिक मूल्यों के माध्यम से उपलब्धियों की अभिव्यक्ति को मजबूत करना ये सब भी मिशन में शामिल है। खबरनामा हरियाणा की ओर से समाज सेवा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्यों के लिए गुरुदेव दत्त छिब्बर को मिले डॉक्टर ऑफ ह्यूमैनिटी की उपाधि के लिए बहुत बहुत बधाई। आज हमारे इस भाई मतीदास जी के प्रांगण के लिए एक बहुत ही अहम और खुशियों भरा दिन है जब अम्बाला की प्रेस की महान हस्तियां और कुछ हमारे इस घड़ी में सम्मिलित हुए हैं।
शुक्रगुजार हूँ और आप सबको नमन करता हूँ कि आपने इतना प्यार हमारे ऊपर प्रकट किया है। ये कहानी कुछ पुरानी है। जब मैं 16-17 साल का था, तीन बार मेरी पंजाब यूनिवर्सिटी में पोजीशन आई, बड़ी हाई पोजीशन आई। मुझे डॉक्टर बनने का बड़ा शौक था। मेरे पेरेंट्स भी चाहते थे कि मैं डॉक्टर बनूं, क्योंकि उस टाइम डॉक्टर ही एक ऐसा समाज का अंग था जो कि एक बहुत उच्च श्रेणी की मान्यता रखता था। पर मैंने देखा कि हमारे पास काफी जमीन थी, मेरी बहनों की शादी में, मेरी पढ़ाई में वो सारी जमीन बिक गई। तो मैंने देखा कि मेरे परिवार वाले कितना भी चाहे मेरी एमबीबीएस की फीस नहीं दे सकते। तो मैंने यही डिसाइड किया कि उनको कन्विंस करूं। मैंने कहा कि मैं तो मीट नहीं खाता, कुछ नहीं करता, तो मैं तो चीर फाड़ भी नहीं कर सकता, तो मैं डॉक्टर नहीं बन सकता, मैं तो नौकरी करूंगा।